मुझे कि नहीं पहचाना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे और आज से बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं। अभी मैं सो के उठी हूँ, 6 बज रहा है अभी, और सो के उठ के मैंने ब्रश व्रश कर लिया है, क्योंकि बिना ब्रश के तो मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ। और आज से बस बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और आज से मेरी टेंशन स्टार्ट हो गई है। और मैं आई थी थोड़ा सा बाहर गेट के सामने, आपको मैं दिखाऊं, ये देख सकते हो आप कि मैं गेट के सामने आई थी। जब मैं सुबह उठती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा गेट के सामने आऊँ, और छत पे भी जाती हूँ मैं, और छत पे सूरज भगवान का दर्शन करती हूँ, और जो मेरे घर के पीछे मंदिर है उसमें मैं बस प्रणाम करती हूँ, और उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं बच्चों को, मैंने वैसे बुलाया था पर वो अभी उठे नहीं हैं, तो मैं उनको उठाऊँगी और उसके बाद बस मैं उनको उठा के मैं बोलूँगी नहा। तो आप देख सकते हैं कि दिशु उठ गया है और वो ब्रश कर लिया है, और इधर मैंने इसका यूनिफॉर्म निकाल के रख दिया है। और अब उठे हैं हमारे बड़े साहब, वो थोड़ा बाद में ही उठते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लेज़ी हैं। और इधर मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। रात में ही दिशु का कहना था कि मम्मा कल मैं टिफ़िन में आलू के पराठे ले जाऊंगा, और उनको आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो वो ज़्यादातर पराठे और यही सब लेके जाते हैं। और वैसे सब्ज़ी रोटी ये लोग खाते नहीं हैं, या फिर सब्ज़ी पराठा ये लोग ज़्यादातर टिफ़िन में कम ही खाते हैं, पर मैं देती हूँ जो भी उनकी पसंद का होता है वो देती हूँ, लेकिन देती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लाइक चाउमीन और ये सब देने पसंद नहीं करती हूँ, ये सब वीकली कभी घर पे बन गया खा लिए। स्कूल में इनके ये सब चीज़ें अलाउड नहीं हैं, तो इनके स्कूल में यही सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, पराठा हो गया, पूरी सब्ज़ी हो गई, पराठा सब्ज़ी, रोटी सब्ज़ी, यही सब आप दे सकते हो। और सैटरडे के दिन आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि फ्राइड राइस हो गया या फिर कुछ भी। तो बस मैंने पराठे बना लिए थे, और टिफ़िन में देने के लिए मैंने दिशु के टिफ़िन में देने के लिए पराठे बना लिए थे, क्योंकि उसकी छुट्टी होनी थी 1:30 बजे, और खुश के टिफ़िन में देने के लिए मैंने सैंडविच बना ली थी क्योंकि उसकी छुट्टी होनी थी 10:30 बजे। और क्योंकि वो लोग जल्दी आते हैं, 10:30 बजे उसका पेपर हो रहा है खुश का, तो वो लेके ही नहीं जाता है, पर मैं ज़बरदस्ती रख देती हूँ कि मान लो अगर कभी भूख लगी जाए या मन कर रहा है खाने का तो वो खा लेगा, कम से कम अपने पास कुछ होता है खाने के लिए, बच्चे हैं तो उनका कब मन कर जाए खाने के लिए। तो बस ब्रेड की जो स्लाइसेस थी उस पर मैंने थोड़ा सा रेड सॉस लगाई, टमाटो केचप, और जो है बस उसके बाद वही आलू का जो भी मिक्सचर था पराठे वाला वही मैंने उस पर स्प्रेड कर दिया है अच्छे से, ज़्यादा सारा, ताकि थोड़ा सा उसका टेस्ट आए। और बस तवे पे मैंने थोड़ा सा जो है बटर लगाया है, और उसके बाद अच्छे से मैं इसको दबा दबा के सेंक लूँगी ताकि ये थोड़ा सा कुरकुरा हो जाए। और जब आप आलू के पराठे बनाते हैं, खासकर बच्चों को जो टिफ़िन में देने के लिए कोई भी पराठे बनाएं, तो देसी घी में बनाइए, वो टिफ़िन में जब जाते हैं तो सॉफ्ट नहीं होते हैं और वो थोड़ा सा अच्छे लगते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम रिफाइंड में बनाते हैं। तो बस मैंने सैंडविच बना के एक जो स्लाइस है वो मैं रख देने वाली हूँ, काट के आधा आधा मैं रख देने वाली हूँ टिफ़िन में, और एक में से आधा आधा पीस करके दोनों खाएंगे। वैसे तो वो दोनों खाते ही नहीं है, कुछ भी खा के नहीं जाते हैं। मैं उनको कोशिश करती हूँ कि बस सुबह सुबह 4-5 बादाम ज़बरदस्ती मुँह में डाल देती हूँ, पर क्योंकि सैंडविच मैंने बनाई थी तो थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और ये आलू के पराठे मैं कट कर करके आधा आधा रखती हूँ ताकि वो खा लें। और मैंने इधर बच्चों के टिफ़िन रेडी कर दी थी, और इधर ये दोनों रेडी हो गए हैं, मुझे इनको रेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद रेडी हो जाते हैं नहा धो के, बस थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। और इधर ये सैंडविच खा रहा है, दिशु आया है अपना बैग लेने, और जब ये बैग उठा रहा था, हैवी था काफ़ी बैग, उठ नहीं रहा था, तो बोल रहा था जय महिस्मती। ये थोड़ा सा नॉटी है, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉटी है ये। तो बस ये लोग निकल गए, और ये लोग जाते जाते साथ में हस्बैंड जो हैं वो दूध लाने का बर्तन भी साथ में लेके जाते हैं डल्लू, क्योंकि जो हमारे यहाँ दूध है वो खटाल से लेके आते हैं, बिल्कुल ताज़ा दूध लेके आते हैं अपने सामने निकलवा के, और सही भी रहता है पैकेट वाले से या फिर जो लेके आते हैं घर पे उनसे सही रहता है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। सुबह सुबह हवा बहुत अच्छी चलती है और मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें, और अपने जो पौधे हैं मेरे लगाए हुए हैं उसमें मैंने खिले हुए फूल, ये सारा देखकर बहुत अच्छी। बच्चों को मैंने भेज दिया है
बच्चे चले गए और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा एसी ऑन करके बैठी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और क्या होता है ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हड़बड़ाहट इतनी ज़्यादा होती है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना होता है, उनके लिए लंच बनाना है, और वैसे तो हमें दो दो टिफ़िन देना पड़ता है। और उनकी छुट्टियाँ एक्चुअली एक ही होती है 125 पे, एक होती है 145 पे होती है बस। हम लोग, मैं 2 ही बजे जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो उसमें जाने का कोई मतलब नहीं बनता पहले। और वो बोलता भी है मम्मा थोड़ा सा लेट आया करो, क्योंकि उसको थोड़ा सा बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि क्लास में तो वो लोग बिल्कुल बात कर नहीं सकते हैं। तो अभी मैं बस पानी लेके अपने बैठी हूँ पीने के लिए, उसके बाद तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे दूध लेके। वो बच्चों को ऐसे छोड़ते हैं और साथ ही साथ दूध भी लेके आते हैं, तो दूध लेके आ जाएंगे, फिर मैं चाय बनाऊंगी हमारे लिए और बस उसके बाद फिर काम शुरू हो जाएगा। और मैंने आज इतने सारे अलार्म लगाए हुए थे, मैंने 6 बजे, 6:15, 6:30, 4:30 मतलब ऐसे लगाए हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नींद ही ना खुले और मैं सोती ही रह जाऊं। अभी कल संडे था और कल हम लोग उठे थे 10 बजे सो के, और क्या होता है कि अलार्म मैं संडे को ऑफ कर देती हूँ और हम लोग जी भर के सोए, और जब नींद खुली तो देखा 10 बज रहा था। और हमारे यहाँ क्या है, जो दूध वाले की जो टाइमिंग है वो है 7:30, तो या फिर आप 8 बजे भी जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे ज़्यादा लेट वो नहीं देता है दूध। और हमारे यहाँ प्योर जो है भैंस का जो होता है बफेलो मिल्क जो होता है वही आता है, और क्योंकि हमारे पास में ये खटाल है वहाँ से हमारे यहाँ एकदम बिल्कुल फ्रेश दूध आता है, सामने उसको निकलवा के दूध लेके आते हैं, तो वो दूध काफ़ी अच्छा होता है, और पैकेट वाला दूध हम नहीं लेते हैं। तो बस कभी मजबूरी में ले लेते हैं अगर नहीं मिला या फिर कुछ, तो फिर ऐसा हो गया और रात का थोड़ा सा दूध रखा था तो फिर उसकी हम लोगों ने चाय बनाई थी कल, तो बस उसके बाद फिर गए थे पैकेट वाला दूध लेके आए थे। तो ऐसा ही होता है, तो इसीलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग उठे ही ना और मतलब स्कूल निकल जाए। और वैसे होता तो स्कूल मिस भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है हो गया, बट बच्चों के पेपर हो रहे हैं, अभी एग्ज़ाम था आज छोटे वाले का, और सॉरी बड़े वाले का, और छोटे वाले का आज फर्स्ट डे था तो इसलिए ज़्यादा डर लग रहा था। बड़े वाले का स्कूल तो वैसे 1 वीक पहले ही खुल गया था, बट उसका अभी प्रॉपर वे में नहीं खुला है, अभी उसका 7:30 to 10:30 है, और छोटे वाले का अभी रहेगा 7:30 to 1:25। हाँ जी, तो बस अभी आज से मेरा जो प्योर जो प्रॉपर रूटीन है वो शुरू होने वाला है। तो बस अब आपके लिए मैं काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाने वाली हूँ, अब आप देखिए कि मैं कैसे। बज रहे हैं 12 और मैं छोटे वाले बेटे को लेके आ चुकी हूँ स्कूल से, उसकी 10:30 बजे छुट्टी होती है क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और अब मैं जाऊँगी 1:30 बजे छोटे वाले को लेने। अभी मैंने सारा काम ख़त्म किया और अभी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और मुझे भूख भी लगी और मैं बहुत थक भी गई, दाल चढ़ा दी है, अभी दाल मैंने चढ़ाई है। तो इधर खाना मेरा बन रहा है और बस मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से बच्चे को लेके आऊँ और मैं खाना खाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। हेलो गाइस, तो पहचाना आप लोगों ने मुझे कि नहीं पहचाना? ला तो अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे को स्कूल से लेने, यानी कि दिशु को स्कूल से लेने जा रही हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ, जरा आप मेरे साथ देखिए कि जो बाहर धूप है ना, वो आप धूप देखिए कैसी धूप है, धूप देख सकते हैं कि अब इतनी ज़्यादा धूप है ना, लॉक लगाओ, इतनी ज़्यादा धूप है कि हिम्मत नहीं हो रही है जाने की, पर फिर भी चलना तो पड़ेगा क्योंकि बच्चे स्कूल में हैं। Thank you.
लगाओ। ये है स्मार्टी। तो अभी बच्चों ने खाना खा लिया है और मैं दिशु को स्कूल से लेके आ गई थी। मैंने उन लोगों को खाना दे दिया और मैंने खाना उन लोगों को दे के मैंने भी खाना खा लिया और अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे लिप्स पे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है। एक्चुअली मुझे फ़ीवर था। मैं आप लोगों ने देखा होगा कि 4-5 दिन से मैं वीडियोस भी नहीं डाल रही हूँ। तो मुझे जब भी मुझे पता नहीं क्यों फ़ीवर होता है या फिर कोल्ड होता है तो फिर मेरे इन्फेक्शन हो जाता है लिप्स पे। तो पता नहीं आप लोगों में भी होता है क्या, प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर किसी को होता है। तो बस मैंने खाना खा लिया, मैं थोड़ा सा लेटूँगी और नींद तो मुझे आने से रही क्योंकि मैं बहुत कम सोती हूँ दिन में। बट मैं देखती हूँ, कोशिश करूँगी थोड़ा सा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर यहाँ पे किसी को इन्फेक्शन होता है तो अगर जैसे आपको पता चलेगा इन्फेक्शन हुआ है आपको, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो कच्चा जीरा होता है वो जीरा आप मुँह में चबा लो, लगभग 10 से 15 दाने या फिर उससे ज़्यादा भी तो चबा लो आप मुँह पे। और मुँह पे चबाने के बाद आप उसको जब वो पेस्ट टाइप बन जाएगा तो वैसे ही जीरा आप इस पे चिपका दो। ये क्या होता है कि ये बिल्कुल ख़त्म जब हो जाता है तभी वो छूटता है। बट मेरा क्या हुआ कि रात में मैं आई और लेट गई और उसके बाद मैं सो गई। मैंने सोचा चलो अभी उठूँगी तो लगा लूँगी, पर मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, तो मैंने नहीं लगाया और मेरा ये पड़ा हो गया। अभी मैं आज लगाऊंगी शाम में ताकि मेरा ये ठीक हो जाए। अपना ये ब्लॉग है आज का, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरा जो ब्लॉग है वो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय।